हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही करेक्टली तरीके से बताऊंगा कि आपकी डिस्क ब्रेक कैसे काम करती है। यहां पर आप देखिए, मेरे हाथ में ये दो डिस्क पैड हैं और यहां पे ऊपर एक कैलिपर असेंबली का आधा हिस्सा उतार दिया, आधा हिस्सा लगा हुआ है। तो यहां पर देखिए, इस तरीके से कुछ आपके ये दोनों पैड बैठ जाते हैं, एक अंदर वाली साइड में और दूसरा बाहर वाली साइड में। अब यहां पे मैं डिस्क को घुमाऊँ तो इस तरीके से आपका टायर घूमता है, यानी कि डिस्क घूम रही है उसके ऊपर टायर लगा होता है, टायर घूमता है। तो जैसे आप सडनली ब्रेक पैडल प्रेस करते हो तो यहां पे ये दोनों ब्रेक शू आपके इस डिस्क को आके पकड़ लेते हैं, जोर से पकड़ लेते हैं, जिससे आपकी ब्रेक लगती है। अभी दूसरा ये कैलिपर असेंबली देखिए, ये आधा कैलिपर खोल के रखा है मैंने। यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है, यही पिस्टन आके हमारे ब्रेक शू को अंदर की तरफ धक्का मारता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लग जाएगा। अब जैसे आप ब्रेक पैडल को दबाओगे तो ये पिस्टन आगे आएगा, वो ब्रेक शू को एक आगे बढ़ाएगा और दूसरा ब्रेक शू अल्टरनेटिंग फोर्स से दूसरी साइड जाएगा। तो ये दोनों ब्रेक शू अपोजिट फोर्स के साथ अप्लाई हो जाएंगे हमारे सीधा डायरेक्ट हमारे ये डिस्क ब्रेक पे, जिसके आपकी डिस्क ब्रेक